जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और आज के लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। मेरा बच्चा, हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द अदर वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की डिटेल में बात करें तो हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज है जनाब, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। इन सब के हवाले से आज के लेक्चर में बात करेंगे। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम से रिलेटेड मुख्तलिफ टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था, और पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इकोसिस्टम बेसिकली एक एनवायरमेंट के अंदर बेसिकली एक यूनिट है जिसके अंदर लिविंग पार्ट भी होता है और नॉन लिविंग पार्ट भी होता है। तो हम आज के लेक्चर का आगाज अपनी उसी डिस्कशन से करेंगे, और हम इकोसिस्टम को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेरा बच्चा, इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, और जो इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट है उसको हम, मेरा बेटा, कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए, ये जो बायोटिक का लफ्ज है ये आया है बायो से, बायो का मतलब आपको पता है जिंदगी से रिलेटेड है। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बुनियादी तौर पर इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सारी की सारी चीजों को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है जी? उन नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास, मेरा बच्चा, वाटर है। किसी भी इकोसिस्टम का वाटर इंटेग्रल पार्ट होता है। उसमें हमारे पास लाइट है, हमारे पास जो है एयर है जी, सॉयल है, रॉक्स हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है मेरा बच्चा, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जो जिंदा नहीं होती, जो नॉन लिविंग होती हैं, उन सारी की सारी चीजों को हम इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, अभी हम इकोसिस्टम की एक एग्जांपल लेके चलने लगे हैं, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ अ फॉरेस्ट कह लीजिए। अभी हम फॉर इंस्टेंस ये फर्ज करते हैं कि हमने आज ये जिस इकोसिस्टम के कॉम्पोनेंट पढ़ने हैं उसकी एग्जाम्पल में हमारे पास एक फॉरेस्ट है। अब देखिए, फॉरेस्ट के अंदर सॉयल भी होगी, जमीन होगी, डेफिनेटली मट्टी होगी, एयर होगी, हवा होगी, सनलाइट होगी, वाटर भी होगा, रॉक्स भी होंगी। और तो ये सारी की सारी चीजें जो है जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, जो फॉरेस्ट में मौजूद होंगी, ये सारी की सारी एबायोटिक कंपोनेंट होंगी इकोसिस्टम का। अब आ जाइए दूसरी तरफ कि एक तो ये हो गए एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है, दूसरी तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लिविंग चीजें हैं इकोसिस्टम के अंदर, उनको हम, मेरा बच्चा, नाम देते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स का। वी व्हाट वी मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट इज एक्चुअली द लिविंग थिंग्स। एक इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी जिंदा चीजें हैं सारी की सारी चीजों को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। अब फॉरेस्ट के अंदर जितने भी पौधे, जानवर, व्हाटएवर इट इज दैट इज लिविंग, वो होंगे हमारे पास जी बायोटिक कंपोनेंट। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन बायोटिक कंपोनेंट्स को हम कितने हिस्सों, कितने पार्ट्स, कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो मेरा बच्चा, बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन देयर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, हम इन बायोटिक कंपोनेंट्स को मजीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहली कैटेगरी होती है That is producers. ये हैं जनाब हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास consumers की, और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास decomposers की। यानी आप ऐसे समझिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर होगा, या कंज्यूमर होगा, या डीकम्पोजर होगा। इन तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी बायोटिक कंपोनेंट की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोड्यूसर्स की। अब जो प्रोड्यूसर है ना बेटा, इनके बारे में चंद एक करेक्टर सुन लीजिए भाई। ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये अपनी खुराक बनाते हैं खुद। अब अपनी खुराक कैसे बनाते हैं बेटा? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपनी फूड जो है ये खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करेंगे, और इन दोनों चीजों को यूज करते हुए ग्लूकोज बना लिया करेंगे जो कि बेसिकली इनकी खुराक होगी। सो हम कहते हैं जी प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होंगे इकोसिस्टम में जो अपनी खुराक खुद बनाएंगे। अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ है, जो अपनी खुराक खुद बना रहा है, हम उसको प्रोड्यूसर कहेंगे। देखिए, प्रोड्यूसर का लफ्ज जो है ये प्रोडक्शन से आया, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, लिहाजा हम इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं।
अब इनकी अगर हमने एग्जांपल की बात करनी है तो उसमें हमारे पास जनाब प्लांट्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं जी, एलजी आ जाते हैं, एलजी भी प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं बेसिकली, प्लांट्स और एलजी जो कि प्रोड्यूसर। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ना जी, इनको भी हम इकोसिस्टम के हिसाब से कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इकोसिस्टम है मेरा बेटा, वो दो तरह के होते हैं। हमारे पास टेरेस्ट्रियल एक तो इकोसिस्टम होता है, यानी ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बुनियादी तौर पे वो इकोसिस्टम है जो खुश्की पे मुश्तमिल है, यानी जो खुश्क जगह है। और दूसरा इकोसिस्टम हमारे पास होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आम तौर पे जो प्लांट्स है ना वो मौजूद होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स मौजूद होते हैं और ये प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। सिमिलरली ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर या तो एलजी होते हैं और या फिर होते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं ना, उनको कहते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट, तो ये मौजूद होते हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में ज्यादातर प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, यहां पर एलजी और फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अच्छा, ये जो एलजी है ये क्योंकि एक्वेटिक एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं तो हम वहां इनको एक स्पेशल नाम भी देते हैं। हम कहते हैं जी दे आर बेसिकली फाइटोप्लांकटन्स, ये फाइटोप्लांकटन्स। तो ये तो बात होगी प्रोड्यूसर्स की। अब आइए आगे चलते हैं और कंज्यूमर्स की बात करते हैं। पहले तो इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी कि ये हैं क्या बला। भाई ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैं हेटरोट्रॉफ। पहली बात सबसे, हेटरोट्रॉफ का मतलब ये हो गया बेटा कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, डोंट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, खुराक अपनी खुद नहीं बनाते हैं। अब इनको भी हम मजीद दो कैटेगरीज में बेटा डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से जो हमारे पास पहली कैटेगरी है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी हर्बीवोर्स, यानी ये कंज्यूमर्स की आगे क्लासिफिकेशन है कि एक कैटेगरी है जिसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं और दूसरी कैटेगरी है बेटा जिनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। अच्छा, अब ये जो हर्बीवोर्स है, नाम से जाहिर है भाई, हर्बी हर्ब से आया है, हर्ब का मतलब प्लांट होता है, वोर जो है ये इसका मतलब ईटिंग से रिलेटेड होता है। सो दीज हर्बीवोर्स दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स को खाते हैं। ले बात मेरा ख्याल है समझ आ गई, हर्बीवोर्स हर्ब्स को प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। अब इनमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी गॉट की, शीप की, काओ की, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा ये हर्बीवोर्स हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते होते हैं। ये हमारे पास कंज्यूमर्स की पहली टाइप। अच्छा, ये कंज्यूमर्स की क्योंकि पहली टाइप है लिहाजा हम इनको एक स्पेशल नाम देते हैं। हम कहते हैं भाई हर्बीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये जो हर्बीवोर्स होते हैं बेटा ये प्राइमरी कंज्यूमर। अब आ जाइए कार्निवोर्स पे, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए कार्निवोर्स जो हैं ये हर्बीवोर्स के उलट है। हर्बीवोर्स खाते थे प्लांट्स, तो ये जो कार्निवोर्स हैं दे बेसिकली ईट मीट या दे बेसिकली ईट एनिमल्स, ये गोश्त खाते हैं। गोश्त खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बेटा बच्चा कार्निवोर्स कहते हैं। ये कार्निवोर्स जो है इनकी बेसिकली आगे तीन टाइप्स हैं, ये एक तरह के नहीं होते, ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं जी, आइए इनकी बात करते हैं वन बाय वन। हमारे पास जो कार्निवोर्स की सबसे पहली टाइप है बेटा वो हैं जी प्राइमरी कार्निवोर्स। हाँ, प्राइमरी कार्निवोर्स। अब ये क्या चीज है जी मेरे बच्चा, प्राइमरी कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोर को खाएगा। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन हर्बीवोर, जो डायरेक्ट हर्बीवोर को खाएगा ना उसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्निवोर। अब इनमें कौन कौन सी एग्जांपल है जी उसको समझना जरूरी है। इनमें हमारे पास एग्जांपल है प्राइमरी कार्निवोर्स के अंदर फॉक्स की। फॉक्स के अलावा, अब फॉक्स प्राइमरी कार्निवोर है यानी कि ये हर्बीवोर्स को खाता है। इसके अलावा, फॉक्स के अलावा जो फ्रॉग है, जो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं बेटा ये आते हैं हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर्स की कैटेगरी। अच्छा, प्राइमरी कार्निवोर्स का एक और नाम भी है, इसको आपने समझना है जरा। देखिए हर्बीवोर्स को हमने यहां प्राइमरी कंज्यूमर कहा था, यानी सबसे पहले कंज्यूमर हर्बीवोर है।
अब दूसरे नंबर में हमारे पास ये आए हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, तो इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। सो अगर हम कार्निवोर्स के हवाले से कहेंगे तो दीज आर प्राइमरी कार्निवोर्स, बट अगर हम इनको कंज्यूमर के हवाले से देखेंगे तो इनका नाम होगा सेकेंडरी कार्निवोर्स। नाउ आफ्टर द प्राइमरी कार्निवोर्स हमारे पास जो कार्निवोर्स की अगली कैटेगरी है बेटा वो है जी सेकेंडरी कार्निवोर्स। पहले तो इनके नाम को ही डिस्कस कर लेते हैं ना, सेकेंडरी कार्निवोर्स, यानी कि अगर हम इनको कंज्यूमर कहेंगे तो ये सेकेंडरी से टर्शरी बन जाएंगे। सो सेकेंडरी कार्निवोर्स को हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये क्या करते हैं, इनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स क्यों कहते हैं? भाई ये प्राइमरी खाते थे हर्बीवोर्स को, हर्ब्स खाते थे प्लांट्स को, ये जो सेकेंडरी कार्निवोर होंगे ये प्राइमरी कार्निवोर को खाएंगे। सो वी से दैट दे फीड ऑन और दे ईट प्राइमरी कार्निवोर्स, ये जो है ये प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जी वॉल्फ की, भेड़िए की। वॉल्फ जो है बेटा वो फॉक्स को खा जाता है। वॉल्फ के अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है ऑल की, उल्लू की। ये ऑल जो या उल्लू जो है ये भी हमारे पास सेकेंडरी कार्निवोर। एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स के बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है बेटा कार्निवोर्स की, वो है टर्शरी कार्निवोर्स। इन टर्शरी कार्निवोर्स का जो केस है वो और भी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ये इनको खा जाते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स को खा जाते हैं। सो वी से कि ये वो ऑर्गेनिज्म है दैट ईट सेकेंडरी कार्निवोर्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो सेकेंडरी कार्निवोर्स को भी खा जाते हैं उनको हम कहते हैं टर्शरी कार्निवोर्स। अब इनमें आपके पास एग्जाम्पल आती है लाइन की और चीता की या टाइगर की। सो देयर एग्जाम्पल इज लाइन और टाइगर एक्सेट्रा। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ सूटेबल मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल जो हमारे ये सारे ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन कर। फॉर एग्जांपल देखिएगा कि ये जो चारा होता है यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको बेसिकली हमारे हर्बीवोर्स खा जाते हैं। सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रोड्यूसर जो है, जो प्लांट है उनको ही हर्बीवोर खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ग्रीन प्लांट ले लेते हैं, हर्ब्स ले लेते हैं, ग्रास ले लेते हैं, तो ग्रास को आपकी जो गोट है गॉट खा जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, गॉट को ये प्राइमरी कार्निवोर खा जाएगा जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ी फॉक्स की, तो जो फॉक्स होती है वो गॉट को खा जाती है। इस फॉक्स को ये वोल्फ खा जाता है, भेड़िया खा जाता है, और वोल्फ को जो लाइन है वो खा जाता है। नाउ दिस इज हाउ दिस होल सीक्वेंस कीप्स ऑन हैपनिंग। तो ये हो गई बात जी हमारी टर्शरी कार्निवोर्स की भी, और इन डिटेल हमने कार्निवोर्स को भी कर लिया डिस्कस। अच्छा, अब ये जो कार्निवोर्स टर्शरी कार्निवोर्स हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर है चेन में और इनको कोई नहीं खाता, ये सबको खा जाते हैं, लिहाजा हम इनको टॉप कार्निवोर्स भी कहते हैं। टॉप कार्निवोर्स यानी सबसे बड़े कार्निवोर्स। ये बात तो होगी जनाब कंज्यूमर्स की। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट डीकंपोजर्स। ये क्या बला है बेटा? अच्छा जी, ये जो डीकंपोजर्स है ये बेसिकली है तो हेटरोट्रॉफ्स। इनकी जो नेचर है वो तो हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहली बात तो आपने ये समझ ली। सेकेंड थिंग इज कि ये डीकंपोजर्स जो है मेरा बच्चा, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा रहते हैं। इस हवाले से हमने नाइन्थ में भी बहुत ज्यादा बातें की हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से कैसे जो है ना अपना खुराक एब्जॉर्ब करते हैं। एक्चुअली व्हाट दे डू इज दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये बेसिकली डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये करते कैसे हैं? इनके पास मेरा बच्चा होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हुए उनको तोड़ के सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे अपना जो है ना न्यूट्रिशन का मामला जो है वो चलाते हैं। सो दे आर बेसिकली हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। अब इसमें इनमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। फंजाए भी आपके पास बेटा डीकंपोजर है, फंजाई की बहुत सारी स्पीशीज और बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज भी आपके पास डीकंपोजर है, वो डीकंपोजिशन के थ्रू अपनी जिंदगी गुजारती है। तो ये तो हो गई हमारे पास तीन टाइप्स बायोटिक फैक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स, और यही कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है। बट देर इज वन पॉइंट, देर इज वन थिंग दैट इज मिसिंग, और वो है केस ऑफ ह्यूमंस।
आप सब ये सोच रहे होंगे कि सर इस पूरी कहानी में इंसान कहां फिट आ रहे हैं, इंसान क्या है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ये डीकंपोजर है, क्या है। अच्छा, इंसान के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है और वो टर्म है बेटा ओमनीवोर की। अब ये जो ओमनीवोर्स हैं, ये भी बुनियादी तौर पे आते तो कंज्यूमर्स के अंदर ही हैं, ये आते कंज्यूमर्स के अंदर ही हैं, ये आपने समझना है कि जो है ना कंज्यूमर, इनकी बेसिकली तीन टाइप्स होती है वैसे अगर जनरली बात करें, बट मेन दो यही होती है, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स, यहां पर तीसरी होती है ये ओमनीवोर्स। अच्छा, हम ह्यूमंस जो है हम ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स से मुख्तलिफ कैसे हैं। सुनिएगा जरा भाई, वी ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम प्लांट्स भी खा जाते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं, हम मीट भी खाते हैं, वी आर द मीट ईटर्स एज वेल एज वी आर द प्लांट ईटर्स। सो हमारे लिए एक स्पेशल टर्म है जिसको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। आज के लेक्चर में मैंने आपको इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स समझाने की कोशिश की। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप एज यूजुअल पोर्टल पर मुझे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।